स्टॉक मार्केट में आप लोगों का स्वागत है। तो आज जानते हैं चलिए कौन सा डेप्ट फ्री कंपनी है, उस पर एनालिसिस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, और मैं आपको अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट दूंगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहें, और मैं आपको ऐसे ही हमारे चैनल लिस्ट में मिलेगा आपको देखने के लिए। प्ले लिस्ट पर जाइए और देखिए, और वीडियो कहीं से अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आप इसकी थंबनेल भी देख लिए और कौन सा शेयर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, डिश टीवी शेयर प्राइस पर, तो आप लोग चलिए डिश टीवी का शेयर मैं बताने वाला हूँ। तो इससे पहले मैंने डिश टीवी का वीडियो मैंने बनाया है, तो यहाँ पर ये 20 रुपये 80 पैसे पर क्लोजिंग प्राइस है। अगर गूगल के माध्यम से 20.70 दिखा रहा है, तो आप 20 रुपये 80 पैसे क्लोजिंग प्राइस है। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि ये डेप्ट फ्री कंपनी है, इसके पास रिजर्व पैसा ज़्यादा है, और डेप्ट होने के कारण बहुत अच्छी कंपनी है। देखिए इसका, देखेंगे एक दिन का इसका जो मार्केट कल चला था, इसका लो है 19.15, हाई बना है 21.55 का, ओपन हुआ 20.10। जब ट्रेड कर रहा था 19.20, दोबारा रिटर्न लिया 19.20 दोबारा आया, फिर उसके बाद ये ऊपर जाकर 21.55 पर ये हाई बना दिया। तो चलिए इसका बाई सेल का हम टारगेट निकालते हैं। पहला बाई टारगेट है इसका 20.10, दूसरा टारगेट है 19.10, और स्टॉप लॉस है 17.50, सेल टारगेट है 22.10, और दूसरा है 24.20। तो इतना और इतना आप समझ लिए, और मैं आगे और कुछ आपको बताना चाहता हूँ। और वीडियो होगा मेरा डिश टीवी का, उसमें आप जाकर देख सकते हैं वीडियो में जाकर। अब हर चीज़ पे आपको एक एक चीज़ में वही चीज़ आपको दिखाता नहीं रहूँगा, डिफ्री कंपनी है, आप देख सकते हैं डिश टीवी का इसमें होगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इसने क्या किया है, मतलब कि अपने 6 मंथ में क्या इसका रिटर्न आपको जरूर मैं दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पे 6 मंथ में देख लीजिए, जैसे ये ऊपर का ग्रोथ होता है, एकदम सीधे ऊपर ही ग्रोथ ये ले गया है कंपनी। यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, पहले 9.75 रुपये से इसकी कहानी शुरू होती है, और 23.35 रुपये ये हाई बना चुका है। तो ये देखिए सीधे एकदम ऊपर लगातार ये कंपनी अपना लेकर जा रही है, फिर यहाँ पर स्ट्रगल की, यहाँ पर फिर स्ट्रगल की, फिर यहाँ से बाउंस बैक ऊपर लेकर सीढ़ी देखेंगे तो ऐसे ऐसे से सीढ़ी ऊपर चला गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन पर्पस वीडियो है, अपने एनालिस्ट कर कई पैसा सोच समझ कर लगाइएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए मार्केट में हमेशा डिलीवरी में ट्रेड करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मार्केट में अगर पैसा आपको निकालना है तो आपको थोड़ा डिलीवरी में ट्रेड करना पड़ेगा। इंट्राडे करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, क्या है कि काफ़ी लोग इंट्राडे करते हैं और नुकसान हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, और अब मैंने आपको बता ही दिया बाई सेल का टारगेट। तो एजुकेशन पर्पस वीडियो है, तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों।